गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे अभी सुबह के तकरीबन साढ़े छः बजे का टाइम है और यहाँ पर मैंने बर्ड्स के लिए खाना रेडी किया है उन्हें सबसे पहले मैं खाना और पानी दूंगी और फिर दूसरे काम करूंगी सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर एक कप ऑफ कॉफ़ी बनाकर मैं यहीं डाउन स्टेज ही रहती हूँ आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ अपनी ई मेल्स वग़ैरह चेक करती हूँ और जब रोशनी खुल जाती है तो फिर उसके बाद मैं यहाँ बर्डीज़ को खाना देने आती हूँ क्योंकि जब डार्क होता है तो उस वक्त तो बर्ड आते नहीं हैं लेकिन तकरीबन जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होना शुरू होती है तो यहाँ पर कबूतर और चिड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं तो इनके लिए आज मैंने रोटी बना ली थी रोटी बनाकर मैंने रात को ही रख ली थी और सुबह मैंने छोटी छोटी सी इसको काट कर बर्डीज़ को खाना सबसे पहले दिया था पानी उधर रखा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इन दिनों ज़रूरी है यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन बर्ड्स वग़ैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो उनको खाना वगैरह देने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और आज मैंने सुबह ही सुबह अपने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और आज के मेरे स्केचुअल में था जो मैंने किचन के टॉप वाले जितने भी कैबिनेट्स थे सारे के सारे एम्प्टी करने थे उन्हें क्लीन करके दोबारा से मैंने उन्हें ऑर्गनाइज करके रखना था तो सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर सेट करके रख दिया था इतनी देर पूरी फैमिली उठ चुके थे तो सबके लिए यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट आज के ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया था एग टोस्ट बच्चों के लिए बटर ब्रेड विद स्पिनिज ऑमलेट और ये मैंने एक्चुअली बनाना था नेस्ट uh, ऑमलेट लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा अगर स्पिनिश साइड पर हो तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती हैं तो मैं इसमें स्पिनिच कुछ इस तरह से डालती हूँ कि बच्चों को इतनी ज़्यादा दिखाई भी ना दे और शौक़ से वो खा भी ले और हेल्थी वे में उनको खाना भी मिल जाए तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था उस पर मैंने स्पिनिज बहुत ज़्यादा ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और पेपर ऐड किया था और थोड़ा सा इस पर मैंने सोल्ट डाल दिया था ताकि इस नीचे बैठ जाए और फिर उसके बाद मैंने इस पर तीन एग्स डाले थे साथ ही मैंने बड़े बड़े साइज़ के टमाटोज कट करके उसी के ऊपर ही हेलोपिन रख दिए थे तो फिर इसको मैंने बंद कर दिया था ढक्कन से तकरीबन पंद्रह से सत्रह अठारह मिनट कह सकते हैं हल्की सी आंच पर मैंने इसे पकने दिया था फिर मैंने इसका ढक्कन हटा के इसका पानी सुखाया और फिर मैंने अपने बच्चों को इसे बटर टोस्ट के साथ सर्व किया आप लोग अगर घर में ज़्यादा पराठा वगैरह बनाते हैं तो आप पराठे के साथ रोटी के साथ भी ये ऑमलेट इंजॉय कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि इसमें स्पिनिच ही ऐड किया जाए आप कोई भी वेजिटेबल्स जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उस वेजिटेबल को भी ऐड करके इसी तरह से बना सकते हैं बिलीव मी आपके बच्चे जब रोजाना इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑमलेट्स खाएँगे तो एग भी खाना स्टार्ट कर देंगे और उसके साथ ये एक बहुत ही हेल्थी ऑप्शन में एक आप उनको प्रॉपर मील भी मिलेगा जिसमें प्रोटीन भी है और बहुत सारी आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स भी हैं तो ट्राई कीजिए कुछ ऐसा बच्चों को खाने के लिए दीजिए ताकि बच्चों को मालूम भी ना पड़े कि उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स हैं और बच्चे शौक से खा भी लें कोशिश कीजिए जब आपके बच्चे छोटे हों तो उस वक्त उनको मिला जुला खाना दिया करें जैसा कि दाल सब्ज़ी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और साथ नट्स वग़ैरह भी ताकि उनको आदत होने लगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे दाल सब्जियां ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और जब मैं मीट चिकन वगैरह बनाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनमें भी दाल या सब्ज़ी ऐड करूँ ताकि मेरे बच्चे शौक से खा लें अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम कुछ रूल्स अपनी ज़िंदगी में बना लें तो उन रूल्स पर हम स्टिक हो जाएं तो ज़िंदगी आसान होने लगती है मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त से कुछ रूल्स बनाए थे जो कि अभी तक हम फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रूल्स फ़ॉलो करने से हम सब की ज़िंदगी बहुत खुशगवार और बहुत आसान हो गई है जब मेरे बच्चे छोटे थे उनको स्कूल वगैरह ड्रॉप करने के बाद घर आती थी साथ ही मेरी जॉब भी होती थी घर के काम भी और बहुत ही टाइमिंग यहाँ वहाँ हो जाती थी कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ और फिर उसमें मुझे शॉपिंग करने के लिए भी जाना पड़ता था घर का काम भी देखना क्लीनिंग करना बच्चों का काम फिर जब बच्चों को स्कूल से लेके आते थे उनको कुरान पाक पढ़ाना फिर उसके बाद उनको होमवर्क कराना फिर रात के खाने की तैयारी और इस दौरान मेरे हस्बैंड होते थे जॉब पर और मेरे हस्बैंड सेवन डेज़ अ वीक जॉब करते थे और सुबह सुबह वो जाते थे और शाम को उन्हें घर आते तकरीबन नाइन ओ क्लाक हो जाते थे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा दिन मुझे अकेली को ये सब कुछ संभालना पड़ता था तो मैंने कुछ रूल्स अपनी ज़िंदगी में पक्के कर लिए और उन रूल्स को फॉलो करने के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हुई थी जो मैं वीकेंड लेट उठा करती थी मैं कोशिश करती थी कि अगर मैं एट ओ उठती हूँ तो मैं सिक्स ओ मैंने अपनी टाइमिंग कर दी और इससे भी अर्ली होना शुरू हो गई थी जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ फ़जर की नमाज बहुत अर्ली होती है तो मैं फ़जर के टाइम उठ जाया करती थी और घर के काम काज में कर लिया करती थी और इसके साथ मैंने बहुत सारी चेंजेस अपने आप में कर ली और जो भी जितनी भी चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में की हैं वो सब एकदम से एक दिन में नहीं हुई थी कुछ महीने लगे थे लेकिन कुछ महीने के बाद मुझे जितनी भी चेंजेस थी उनकी आदत होने लगी थी और अभी तक अलहमद वही आदत है आप अपनी ज़िंदगी में ट्राई कीजिए सुबह जल्दी उठा करें और सुबह उठने के बाद ट्राई कीजिए नमाज अपनी इबादत करने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें वॉक कर लें अपनी पसंद का कोई टी कॉफ़ी कुछ टी टॉक्स वाटर जूस कोई भी ड्रिंक आप बना लें वो ले लिया करें फिर उसके बाद आप अपने किचन का काम स्टार्ट करें और अपना ब्रेकफास्ट करें ट्राई करें कि किचन का काम एकदम से सुबह उठते साथ ना स्टार्ट करें थोड़ी सी ब्रेक लें थोड़ी सी वॉक करें उसके बाद ही स्टार्ट करें इस तरह से आप थोड़े से रिलैक्स होंगे और काम करने में भी आपको एगा उसके बाद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रूल बनाएं जिसके साथ आप अपनी केयर कर सकें हर रोज़ की जो रूटीन है उसमें एक आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम का हिस्सा सेट कीजिए जिसमें आप थोड़ा सा रेडी हुआ करें अच्छे कपड़े पहन लें अच्छे कपड़ों से मुराद ब्रांडेड महंगे या भरकीले कपड़े नहीं हैं जो आपके घर में पहनने वाले जितने भी सिंपल से या जो भी आप पहनते हैं वो कपड़े अपने साफ़ सुथरे से कपड़े रेडी रखें सुबह के वक्त जब आप तैयार हों वो कपड़े पहनें हल्का फुल्का सा मेकअप करें हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहनें और अपने आप को अच्छे से प्रजेंटेबल बनाइए ताकि दूसरे लोग देखने वाले जो हैं उनको मालूम हो सके कि ये घर की मालिकन है और यकीन मानिए जब आप अपने आप को तैयार करने के आदि बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप लोगों की बातों पर गौर मत कीजिए कई औरतें ऐसी मैंने देखी हैं जो ये हमेशा ये बात जहन में आती है कि वो ये सोचती हैं कि हम तैयार होंगे तो लोग क्या कहेंगे तो लोगों का बिल्कुल आप सोचना बंद कर दें आप जब तैयार नहीं होंगे तो लोग तब भी बातें करेंगे जो तो लेडीज़ वर्किंग वुमेन हैं मैं उनके बारे में ये बात नहीं करूँगी क्योंकि हमें सुबह के वक्त तैयार होकर ही जॉब्स पर जाना पड़ता है लेकिन जो हाउस वाइफ होम मेकर होती हैं उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने घर में जब आप अच्छे से तैयार होंगे अच्छे से कपड़े पहनेंगे अच्छे से रहेंगे तो आपको वैसे ही अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को बना संवार कर रखा करें इससे अपने आप में ही आप खुश रहेंगी ट्राई कीजिए कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा आप अवेयर रहें नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं जैसा कि आप अगर बैठे हैं बातों बातों में किसी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए या आपको कहना शुरू हो गए आप ऐसी हैं आपको ये अच्छा नहीं लग रहा आप ये पहनिए वो अच्छा लगेगा इसका साफ मतलब जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे या तो अनसिक्योर हैं या उनको लगता है कि आप उनसे कई हाथ आगे हैं कहीं ना कहीं वो जेलस हैं या कुछ ना कुछ तो ज़रूर है तो ऐसे लोगों से कोशिश कीजिए कि दूर रहिए आहिस्ता आहिस्ता करके उनको थोड़ा थोड़ा दूर करते करते अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके दमागी सुकून को छीन लेते हैं और जब दिमागी सुकून नहीं होगा तो आप अपने घर पर तोज् कभी नहीं दे पाएंगी ट्रस्ट मी ये करने से आपको बहुत बड़ा फ़र्क लगेगा मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबसे दूर होकर बैठ जाएँ लेकिन कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखिए जो जब आपके पास हो तो आपको गुड वाइब्स आए और आपको ऐसे लगे कि अपना बैठा है और यकीन मानिए जो अपने हैं वो कभी भी आपसे ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपका सुकून बर्बाद हो आप हमेशा वो काम कीजिए जो आपको खुशियाँ दे आप जिस काम में अपने आप को खुश महसूस करते हैं आप वो करने की कोशिश कीजिए जैसा कि दिन के किसी एक हिस्से में आ, अगर आप जैसे लोग ज़्यादातर चार की चाय को पसंद करते हैं आप चार की चाय के साथ जब बैठें तो अपनी कोई फेवरेट बुक ले लीजिए या अपना कोई फेवरेट सीरियल लगा लें या फिर अगर आपको टी देखना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने लॉन में बैठ जाएँ अपनी बालकनी में बैठ जाएँ नहीं तो अपने बच्चों के पास बैठिए कुछ टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों के साथ और और एक कप ऑफ कॉफ़ी या टी लीजिए अगर गर्मी है तो जूस बना लीजिए और यकीन मानिए कि वो थोड़ा सा जो वक्त है आपका अपना टाइम आपको बहुत सुकून देगा और अगर आपको वीक डेज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपने लिए तो कोशिश कीजिए वीकेंड पर थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए एक डेढ़ घंटा निकालिए अपने आप पर ध्यान दीजिए आप जैसा कि के स्किन केयर कर लीजिए मेनिक्योर पेडिक्योर कर लीजिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाए घर में आप ये सब कुछ खुद भी कर सकते हैं अपने हेयर कलर कर लीजिए और अगर आपको हेयर कटिंग वगैरह कर नहीं आती है तो लाइट सी कटिंग कर लें अपने आप को तवज्जो में रखिए आप जब अपने आप का ध्यान रखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं जो लोग आपको डिप्रेशन की बातें वगैरह करते हैं और आपको डिप्रेस करते हैं ट्राई कीजिए कि उनसे अवेयर रहें क्योंकि जितना ही आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी और आप कोशिश कीजिए कि गुज़रे हुए वक्त को कभी याद ना करें क्योंकि जो हो गया वो हो गया जो गुज़र गया उसने लौट कर कभी भी वापस नहीं आना है जो इस वक्त है वो मौजूदा ज़िंदगी है आपकी और अपने फ्यूचर पर फो फोकस कीजिए आप ट्राई कीजिए अगर आप थोड़ी फ्री हैं और आपको गुज़रा वक्त याद आ रहा है तो अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिए थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लीजिए अगर आप सोविंग कर सकते हैं सोविंग कर लीजिए नीटिंग कर लीजिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अगर आप पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं पेंटिंग वगैरह कर लीजिए और या फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा काम करना आता है जो कि क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए अपनी हॉबीज़ में से कुछ चूज़ कर लीजिए जिसके साथ आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें और गुज़रे वक्त को कभी भी याद मत कीजिए क्योंकि गुज़रे वक्त को जो लोग याद करते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं और मैंने ये बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ और अगर आप लोग ये अप्लाई करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत सबसे पहले ट्राई कीजिए और रात को जल्दी सोना भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप सुबह जल्दी उठने के आदि होंगे रात को जल्दी सोने की आदत ऐसे आप डालिए कि किशा की नमाज़ के बाद आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कीजिए फजर की नमाज़ का और मोबाइल को एक साइड पर रख दीजिए कोई अच्छी सी बुक उठाकर आप रीड कर सकते हैं या रात को अपनी नमाज के बाद जो आप अपनी आयात पढ़ते हैं अपनी जो पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए काफ़ी लोग रात को बिस्तर पर पढ़ सोते हैं जैसा कि मैं और मेरी फ़ैमिली हम सोने से पहले हम ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और फिर हम सोते हैं और पढ़ने से मुराद ना सिर्फ बुक्स वगैरह है हम अल्लाह के कलाम पढ़ के सोते हैं और ये बातें सिर्फ़ करने की नहीं है मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अप्लाई की हैं यकीन मानिए कि रात को बुरे सपने नहीं आएंगे आपको आप जब सोएंगे तो सुकून की नींद सोएंगे और सुबह भी आप अल्लाह पाक की मेहरबानी के साथ बहुत सुकून से उठेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में अगर आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो काफ़ी लोग इस बात को सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे इस बात की वजह से वो कोई भी क़दम नहीं उठाते हैं काफ़ी सारी ऐसी हाउस वाइफ्स होम मेकर ऐसी हैं जो कि घर से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं एजुकेटेड होती हैं इसके बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे इस बात को अपने जहन में रखती हैं कई ऐसी बच्चियां हैं जो इतनी ज़्यादा पढ़ने लिखने के बावजूद भी बच्चों को भी संभाल रही हैं और घरदारी में इस तरह से बिज़ी हैं कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हैं सिर्फ़ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे उस दिन आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने की सीढ़ियों के ऊपर आपका पहला कदम होगा यकीन मानिए मैंने अपनी ज़िंदगी से ये लफ्ज़ काफ़ी साल पहले जब मैं अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चे छोटे थे मैंने स्कूल लाइफ बच्चों की आ, स्टार्ट की थी उस वक्त से ये लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है कि लोग क्या कहेंगे मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है और आप भी वो करें जो आपकी फ़ैमिली को अच्छा लगता है फैमिली में सबसे पहले जैसे कि आपके हस्बैंड हैं आपके बच्चे हैं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं आपके सास ससुर आपके नंदे आपके हस्बैंड देवर ये सब आपकी फ़ैमिली हैं और अगर आप माँ बाप के घर में हैं माँ बाप बहन भाई भाभियाँ ये सब आपकी फ़ैमिली हैं कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली की सुने बाहर वालों की बिल्कुल मत सुने और बाहर वाले जो कहते हैं जो करते हैं उनको करने दीजिए अगर आप कुछ अच्छा करेंगे सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे तभी लोग बातें करेंगे अगर आप बुरा करेंगे तो भी जो करने वाले हैं वो बातें करेंगे तो इससे बेहतर है कि लोगों से बिल्कुल भी कोई भी ये उम्मीद ना लगाएं कि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा बोलेगा या अच्छा सोचेगा लोगों को इग्नोर कीजिए अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैप्पी लाइफ बनाइए और ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे बनाते हैं अल्लाह पाक के साथ जुड़े रहिए अल्लाह पाक की आप इबादत कीजिए या अपने मज़हब के मुताबिक आप पूजा पाठ कीजिए आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही ठीक होने लगेगी और इन्हीं बातों के साथ आज का व्लाग मैं करती हूँ एंड आज का व्लॉग बस यहीं तक था आई होप आपको आज का व्लॉ अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लाग के साथ कुछ नई बातों के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़